तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब आज तुम देखने वाले हो यासनाया की मास्टर क्लास। मैं तुमको पहले बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 30 किल गेम प्ले होने वाला है। यासनाया से तुम्हारा भाई बाहर नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या, निकल पाएगा नहीं। तुम इससे इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो अगर, तो भाई तुमने यासनाया खेला नहीं है। अब देखो, आई थिंक मैंने तुमको रोकने के लिए ऑलरेडी काफी स्पॉइलर दे दिया है, और तुमने स्टार्टिंग का वो क्लिप भी देख लिया होगा। वो सब तुमको इस गेम प्ले में मिलने वाला है। तो भैया वीडियो लाइक कर लोगे स्टार्ट में ही, तो एंड में यार तुम भूलोगे नहीं, क्योंकि भाई मैं खुद ये वीडियो एडिट करते टाइम और खेलते टाइम खो गया था कि तुम डेफिनेटली खो जाओगे और वीडियो लाइक करना भूल जाओगे। क्योंकि ये ऐसा गेम प्ले नहीं है कि मैं दौड़ रहा हूँ मार रहा हूँ। भाई कतई स्पाइडर मैन बन गया था तुम्हारा भाई यासनाया में। मैं बता रहा हूँ, इस गेम प्ले के बाद से करंट जो 3 हॉट ड्रॉप्स हैं, प्रिजन, जॉर्ज सिटी और यासनाया, उसमें भाई यासनाया मेरा फेवरेट हो चुका है। मुझे लगा नहीं था कि कभी मैं यासनाया सिटी को इतना ज़्यादा इंजॉय करूँगा। भाई अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फटाक से इस वीडियो को लाइक कर लो वरना तुम भूल जाओगे, और गेम प्ले इंजॉय करो। बेटर है कि खाना आना ले आओ कुछ, क्योंकि आई थिंक तुम पूरा खाना खा लोगे, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। अब देखो यहाँ से गेम प्ले शुरू हो जाता है, मतलब शुरू तो ऑलरेडी है, लेकिन यहां से मैं शुरू करता हूं कूटना, गंदा कूटना। अब इस भाई को तो आराम से धर लिया था, लेकिन यहां पर भाई तुम देखो कितने बंदे बच रहे हैं, लगभग 24 बंदे, और ये बंदे आएंगे वापस। ये पहली बार यहां सुना है मैंने देखा है कि इस मात्रा में बंदे वापस आएंगे। भाई मैं सच बता रहा हूं, आई थिंक मैंने रिकॉर्ड बनाया है यासनाया में मेरा पर्सनल रिकॉर्ड। मुझे नहीं पता बाकी लोगों ने क्या बनाया है, डेफिनेटली उनका और ज़्यादा होगा, लेकिन आई थिंक ये मेरा यासनाया का रिकॉर्ड है। मैंने आज तक अपनी पूरी हिस्ट्री में 2019 से बात कर रहा हूँ, यासनाया में इतने किल कभी नहीं मारे। अब देखो इस बंदे को मैं चेस कर रहा था और ये बंदा भाग रहा था। मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि ये मेरे को बेट कर रहा है, क्योंकि ये जानते हो ये लड़ने के लिए आता था बट लड़ता नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे को सेटअप कर रहा है। मैं इसको ढूंढने जाऊंगा, इसका कोई टीममेट मेरे को धर लेगा, तो मैं इधर कुछ ज्यादा ही मतलब सोच समझ के स्टेप्स ले रहा था जिसकी जरूरत थी नहीं। अब फाइनली मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि ये बंदा कुछ प्लान या प्लॉट नहीं कर रहा है, ये असल में भाग रहा है। अब क्यों भाग रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई तुम अगर यासनाया में उतरे हो तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिक रिकॉल कार्ड होता है। बेटर है कि तुम फाइट करो, किल निकालने की कोशिश करो, बट ये भाग रहा था, और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर तुम भागोगे तो भाई मैं तो दौड़ा के ही मारूंगा। भाई कतई ट्रेन की तरह एक सीधी लाइन में भाग रहा था, आराम से धर लिया मैंने इसको। लेकिन यहां पर मेरे को गेम का सबसे बड़ा सेटबैक लगा। मुझे लगा नहीं था कि भाई मेरे साथ ऐसा होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जब ऐसा होता है तो गेम प्ले सीधा डिलीट होता है, ट्रैश जोन में जाता है। लेकिन भाई फ्यूचर में आपके लिए क्या लिखा हुआ है ये आपको अभी कैसे पता लग सकता है, वही हो मेरे साथ। तुम बस जरा देखो मरने का ये तरीका। अब इस घर बना ले, काम कर, गद्दा तकिया मेरे से ले ले भाई, लेकिन तू उधर ही रहा कर भाई, तू बाहर मत निकल। वेल जो भी हो, अपन थोड़े मोटी चमड़ी के भैंस हैं, तो हम उतरे कहां पर, वापिस से यासनाया में। कुछ आसपास लूटा, फिर अपना पेटी लूटा, और लड़ाई जो हो रही थी उसको सुन के भाई मेरे मुंह से राल टपक रही थी पता है। तो भाई मैं जैसे एकदम इक्विप्ड हुआ, मेरे को सब कुछ मिल गया था, मतलब कटाना मिल गया था, ग्रैपलिंग हुक मिल गया था, मेरी गन्स मिल गई थी, एमो मिल गया था, हेलमेट वेस्ट भी मिल गया था, बस चाहिए थे बंदे। बंदे थे सामने, अब ये तुम सामने ट्रिपल स्टोरी देख रहे हो ना भाई, कब्रिस्तान बनने वाली है ये जगह। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भी तुमको पता लग जाएगा। अब देखो यहां पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को मल्टीपल फुटस्टेप आए हैं लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। तो मैं ऊपर से गया और ये मेरी ट्रिक यूज कर रहा था।
हैं ये और खत्म क्यों नहीं हो रहे? वेल जो भी हो, मेरे 9 किल हो गए थे। और अगर तुमको लगता है कि सेवा समाप्त हो गई है, नहीं भाई, इट्स फार फ्रॉम ओवर। अब बस तुम देखते जाओ भाई, मैं बोला ना खाना तुम्हारा खत्म होने वाला है आज। अब इधर मैंने एक नॉक निकाला, अब फिनिश करने जाता है। इससे पहले मेरे आगे पीछे दोनों तरफ बंदे आ गए। इसको मैं पहले ही धर लेता, लेकिन ये जो हल्की हल्की सी ये जो बाउंड्री है ना, ये ऊंची हो गई है, जिसकी वजह से यार गोलियां लगती नहीं है। तो मैंने उसके नीचे आने का वेट करा था, बट आराम से धर लिया इसे। अब मेरे ऊपर देखो, मुझे पता था कि रश आने वाला है, क्योंकि फुटस्टेप धीरे धीरे करके करीब आ रहे थे। मुझे बस ये नहीं पता था कि जिनको अभी भी बजाया है वो वापिस आने वाले हैं। अरे भाई यार, कसम से लोगों को अभी भी इस नए लेआउट की आदत नहीं है यार, पता है। वेल, अब मेरे दिमाग में चल रहा था वो बंदा जिसको मैंने सी बिल्डिंग पे नॉक करा था, मुझे अभी तक उसका किल नहीं मिला था, तो इसका मतलब उसे किसी ने रिवाइव दिया है। और अगर रिवाइव दिया है तो मतलब मेरे को वहाँ पर 2 किल मिल सकते हैं इनकी जगह। तो भाई पुश करना तो बनता है ना बॉस इधर। अब जब मैं यहाँ पहुंचा तो जरूरत से ज्यादा सन्नाटा था। मेरे ऊपर गोलियां चली, लेकिन दूर से चली थी, उनसे मेरे को लेना देना अभी के लिए तो नहीं था। लेकिन फिर मेरे को आए फुटस्टेप। अब ये दोनों ही नॉक हुए थे, इनके टीममेट्स यहां पर हैं, और जहां तक मेरे को लग रहा है इनके टीममेट्स हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग पे हैं। अब मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि देखो हॉस्पिटल से मेरे ऊपर फायर आया था और इसी डायरेक्शन से इनका पुश भी आया है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था मेरे लिए, लेकिन फिर भी ये एक बस हाइपोथेसिस थी, मेरे को यकीन नहीं था। तो भाई मैं चेक करने के लिए गया और मेरे को भटूरा मिला, जिसे मैंने मस्त फ्राई मारा। अब हॉस्पिटल बिल्डिंग पे डेफिनेटली बंदे हैं। अब मेरा मन तो है उधर जाने का यार, लेकिन हिम्मत नहीं है, बिकॉज यार हॉस्पिटल बिल्डिंग पे पुश करना इज हेल ऑफ अ टास्क। अपार्टमेंट पुश कर दूंगा मैं, मेरे को डर नहीं लगता, बट हॉस्पिटल या फिर जिसे गॉड बिल्डिंग कहते हैं भाई, मेरी फटती है भाई। अब चलो तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक तरह का ट्रिविया। ये जो गॉड बिल्डिंग है, जैसे मैं हॉस्पिटल बिल्डिंग बोल रहा हूँ, बताओ इस तरह की कितनी बिल्डिंग्स हैं अरंगेल में? हाँ, देखता हूँ कितने का आंसर सही रहता है आज। कल जो भी हो, अब मेरे इस भटूरे को नॉक करा और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भटूरे मारना भी पसंद नहीं है। लेकिन भाई मेरे को लगा था मैंने 2 नॉक निकाल दिए, पता है, बट क्या रिकॉल कंट्रोल था भाई उधर। तुक्के से हो गया, बट हो गया। वेल, मैं पुश करने गया था उधर, बट वो रिवाइव हो गए थे, और मेरे को डाउट हो रहा था कि वहाँ पर 4 बंदे हैं और वो सिर्फ 4 नहीं, उनके पर कोई और स्क्वाड भी है। तो यार मेरे को उधर खिचड़ी में नहीं जाना था, तो मैं आ गया, जानते हो किधर, अपार्टमेंट्स की तरफ। यासना है भी अपार्टमेंट्स है भाई, और यहाँ पर क्रॉस फायर हो रहा था। अब इधर मैंने एक मौका खोया, लेकिन ये जगह सेफ नहीं है, क्योंकि पीछे गॉड बिल्डिंग पे बंदे हैं, ट्रिपल स्टोरी पे बंदे हैं, अपार्टमेंट्स पे बंदे हैं, और मैं बीच में, ये ट्रिपल स्टोरी एकदम बीच में है, तो ये जगह सेफ नहीं है। तो भैया मैंने सोचा कि चलो पुश कर लेता हूँ, लेकिन जरा ये देखा तुमने, मेरे सामने से अभी अभी एक क्रिश उड़ता हुआ गया है। अब इस क्रिश को हमको ठोकना था, तो हमने लिया ग्रेनेड, बढ़िया से कुक करा और डाल दिया। ऑफकोर्स ये खाली गया, क्या उम्मीद कर रहे थे भाई। माना कि गेम प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी मारूं। अब देखो वो बंदा ये कोने में था, मैंने नेट डाला बट वो निकल गया। आई थिंक उसने गेस कर लिया था कि एक नेट आए तो और भी आएंगे। अब जब तक मैं ट्रिपल स्टोरी पहुंचता, ये भाई साहब फान फूंद के निकल गए थे इधर से, बट बच के जाएंगे भी कहाँ, स्पॉट हो गए।
घूम फिर के मैं वापस वहीं आ गया हूँ, वापस से वही ट्रिपल स्टोरी। और भाई अब फिर से यहाँ पिटाई होगी, पिटाई का कुटाई होगी। मैं बोला ना बंदू को अभी भी आइडिया नहीं है भाई कि लेआउट चेंज हो गया है। वेल मेरे को फ्री के दो और किल मिले, 18 किल हो चुके हैं। यासनाए से बाहर नहीं गया तुम्हारा भाई, लेकिन तुम लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया यार, तो लाइक कर लो फटाक से और सब्सक्राइब भी कर लो यार, तुम्हारे भाई को बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम लोग पूछ रहे थे कि अपडेट का क्या हुआ, अभी तक अपडेट नहीं आया। तो भाई तुमको अगर नहीं पता हो तो रोल आउट होना शुरू हो गया है, ऐसा पबजी वालों का कहना है, क्राफ्टन कहना है। बट मेरी जानकारी में जितने लोग हैं उनमें से किसी को भी अभी तक नहीं मिला है अपडेट। तो आप लोग वेट करो, कल तक आ जाएगा। चल अब मैं थोड़ा गिर गया था, लेकिन ये बंदा अकेला पुश करके गलती कर दिया। अब इसका टीममेट अपार्टमेंट में था, एक बंदा मेरे पीछे था, ये अकेला आया जिसको मैंने आराम से धल लिया। तो अब मैं ओपनिंग तो निकाल लिया था, एक एक करके अब सबको धल लूंगा मैं साइड बाय साइड। सोलो इस गॉड के अंदर सबसे आसान टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा, जिसको समझने के लिए लाइक बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो ये है कि भाई कभी भी कोशिश करो कि भाई मल्टीपल बंदों से फाइट ना लो। कोशिश करो कि फाइट तुम्हारी 1v1 हो। अगर चार बंदे चढ़ भी रहे ना तो आइसोलेट उनको ऐसा करो कि तुम्हारे एंगल पे एक बंदे ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर भाई दो बंदे आ गए ना तो फिर तुम लक के ऊपर डिपेंड करते हो कि वो गोलियां हगे और तुम उनको चिपकाओ हेडशॉट, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में वो तुमको भर देंगे। अब देखो मुझे पता था कि सी बिल्डिंग पे एक बंदा है, मैंने नेड कुक करा, उसी टाइम गोली चली। टाइमिंग देखो भाई, मैं समझ गया तो नॉक हुआ है और मैंने किल चुरा ली। अब इस बंदे का मैंने किल चुराया था, ऑफ कोर्स उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन वो बोलते हैं ना कि बुरे का फल बुरा ही होता है, तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी होने वाला है। अब देखो मैं अपनी ट्रिपल स्टोरी से हटा ही था कि वहां पर फिर बंदे आ गए। भाई ये ट्रिपल स्टोरी में क्या है, अब ये तो प्रॉक्सी स्काउट डिवाइस यूज करके आया था इधर स्काउटिंग करने, तो इसको ढूंढना पड़ेगा। अब ये पता नहीं किधर बैठा हुआ है। अब यार आगे बंदे हैं, पीछे बंदे हैं और मेरे मुंह पे भी एक बंदा आ गया है, बट मेरे पास डीबीएस है यार। भाई क्राफ्टन को एक अपडेट लाना चाहिए जिसमें अगर किसी के आईजीएन में 10 डिजिट हैं, मतलब किसी का फोन नंबर है, तो वो शो नहीं होना चाहिए किल फीड में। वेल देखो यहां पर मैं तो बंदे ढूंढ रहा हूं ना, और तभी यहां पर एक भाई गई। अब मैं जानता था कि ट्रिपल स्टोरी से तो मेरे को एंगल मिलेगा नहीं, तो मैं अपार्टमेंट गया, बट यहाँ तो अलग ही खिचड़ी थी भाई, मल्टीपल फुटस्टेप आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि एक टीम मेरे ऊपर पुश कर रही है, बट खेल कुछ अलग ही था इधर, इधर टीम अप या मीटअप चल रहा था भाई। बच्चा भाई ये अब देखो मुझे लग रहा था इसका टीममेट इसको बचाने आ रहा है, मैंने फिनिश करने की कोशिश करी, बड़ी मॉल गया मैंने छोड़ दिया, बट मेरा किल चोरी हो गया भाई। मादरा भाई ये टीम नहीं करा भाई, मेरे को लगा था ये लोग एक टीम में है तो अगर मॉल इसको फिनिश होता है तो किल मेरे को ही मिलेगा, बट भाई वो अपोनेंट था उसका तो किल उसे ग्रांट हो गया भाई। वेल कोई नहीं, मादरा भाई इस चीज की कमी पूरी करेंगे। चलो भाई छट को किल चुराओगे मेरी, रुको तुमको तलवार से धरेंगे हम। ओ भाई
मेरे को लगा नहीं था किसने मेरे को देखा है भाई। देख लिया था इसने, बताया अगर यहाँ पर वो गाड़ी का कवर ना होता ना, मैं गया था, मैं एलिमिनेटेड था, बताए। पर जो भी हो, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बहादुर होता है, और बहादुरी में तो अपना कोई मुकाबला यार मूविया मिट्टू नहीं बनना चाहिए भाई, मैं बहुत पट्टू बताए। पर जो भी हो, उसके बाद मैं वापस अपार्टमेंट साइड आया क्योंकि इधर से बहुत देर से फायरिंग हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि कौन कहाँ पर है अभी, बट एक चीज़ पता थी कि अपार्टमेंट में तो बंदे हैं। अब देखो मैंने ग्रेनेड डाला जिससे कोई किल नहीं हुआ, नॉक नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्लियर है, बट भाई क्या कोने में चिपका था ये बंदा। बट मेरे ग्रेनेड से इतना डैमेज हुआ था कि डीवीएस की एक फूंक में मर गया। कल तुमको पता होगा अपार्टमेंट से फायरिंग हो रही थी, सामने जो दो घर है ना रेड वाले, वहां से भी फायरिंग हो रही थी। मैंने उधर चेक करा, बहुत देर तक एडीएस लेके बैठा था, बट एक बंदा वहां पर कैंप कर रहा था, उसने मेरे ऊपर पीक नहीं ला। उसे शायद डाउट हो गया होगा कि मेरे पास स्नाइपर वगैरह है, बट मेरे पास स्नाइपर थी नहीं। कल जो भी हो, तुम मुझे पीक नहीं दोगे कोई बात नहीं, मैं घुस के मारूंगा। भाई डीपी साइड से डीपी चल रही, अब उसे भी डीपी पड़ी, मुझे भी पड़ी, इसने पुश करा, मैंने धर लिया, बट हेल्थ देखो इसके अंदर भाई, फिनिश ही नहीं हो रहा है। वेल इसको मैंने धर लिया, और डीपी वाला पता नहीं कहाँ से मार रहा था, छोड़ो जान दो इसे। वेल मैंने फटाक से हेल्थ लगाई और एक AWM लेके आया। AWM कहाँ से मिली? ड्रॉप से, लेकिन सामने AWM चल रही थी। AWM वर्सेस AWM, why not? बढ़िया मौका था यार, हल्का सा एम पीछे रह गया यार। ओ भाई ये रुक नहीं रहे, तो भाग रहे। ओ भाई क्या था ये यहाँ पर एक और स्नाइपर था जो कि रेड वाली बिल्डिंग में घुस गया भाई, अब इसको भी हमें धरना था। और स्नाइपर वैसे स्नाइपर की बैटल है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं छत पे हूँ और कोई मेरे पर फायर नहीं कर रहा है, कोई नहीं फायर कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे में दिमाग में एक बात क्या आती है कि ओपन में तो कोई नहीं है, जो भी है घरों के अंदर होगा। अब ये चीज़ ध्यान रखना जो मैंने तुमको बोली है, ये आगे जाके बहुत काम आएगी। अब फिलहाल मैं पूरी तरीके से टनल इस बंदे पे हो गया था क्योंकि मुझे इसका किल निकालना था। तुम देखोगे तो तीन ही बंदे बच रहे हैं, और जहां तक मुझे लगता है 1v1 या फिर ऐसे ही कोई दो बंदे होंगे, स्क्वाड तो कोई नहीं है। अब मेरे पास जितना यूटिलिटी था भाई मैंने डंप कर दिया। फिर मेरे को पता चला कि भाई मैं तो अलग ही दुनिया में हूं, बंदा इस वाले घर में नहीं है, बगल वाले में है। अब इधर मेरा कट गया, फुटस्टेप मेरे को थोड़ा सा लेट आया, लेकिन अब मेरे पास यूटिलिटी नहीं बचा था कुछ भी, लाइक ना ग्रेनेड बचा था ना मॉली बचा था, स्मोक्स बचे थे और प्रॉक्सी स्कॉट डिवाइस बचे थे, तो कुल मिला के मुझे घुस के ही मारना पड़ेगा। अब मैंने चेक करा, जानते हो किसके लिए? डीपी वाले के लिए, बट मेरे को कोई दिखा नहीं, तो सीधी बात है क्लियर है एरिया, ओपन क्लियर है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यूज करा प्रॉक्सी स्कॉट डिवाइस और मैं इस वाले घर में चेक करने गया। अब मेरे को कैंपर मिला, इसको मैंने उड़ा दिया। अब मैं पुश करने जा रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था कि इसे स्नाइपर से धरूं या फिर M4 से मार के चिकन निकालने की कोशिश करूं। अब भाई देखो, मैं इतना ज्यादा टनल हो गया कि मैंने अपना एक और रूल तोड़ दिया सोलो स्क्वाड का, वो ये है जोन के बाहर फाइट नहीं लेने का। लेकिन मैंने जानबूझ के रूल नहीं तोड़ा, मेरे को तो अब पता चला भाई जोन मूव होने स्टार्ट हो गया है। अब मेरी फटी क्योंकि पूरा खुला ओपन है, मेरे को आगे से भी पड़ेगी और मैं जोन में जाने की कोशिश करूंगा तो ये पीछे से मारेगा और खुद मर जाएगा। अब मैं गंदा फंस गया था, लेकिन तभी गेम में जानते कौन आया, वही डीपी वाला आ गया। मैं